हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं इंदौरी इन ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूं ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, क्योंकि फ्रेंड काफी सारे जो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया आने वाले होते हैं वो जानना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। और फ्रेंड, काफी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद मैं इस वीडियो में आपको ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन सिस्टम और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए, क्योंकि फ्रेंड काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए थे, मैसेज किए थे कि ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम के बारे में एक वीडियो बनाओ। तो फ्रेंड, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, काफी टाइम लेने के बाद मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाने का सोचा। तो इसमें मैं बहुत सारे पॉइंट कवर करूंगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप आराम से ये पूरा वीडियो देखें और इसको पूरा ध्यान से सुने तो आपको ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और जो भी स्टूडेंट्स आने वाले उनको भी शेयर करें, ताकि उनको ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता हो और वो थोड़ा सा प्रिपेयर होकर आए। तो फ्रेंड, ये वीडियो पूरा आखिरी तक देखें। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब है। यहाँ पर काफी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट हर साल आते हैं और काफी सारे लोगों को थोड़ा डाउट रहता है कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो मैंने ये ओवरऑल एक डिटेल वीडियो बनाया है, इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट कवर करे हैं और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो फ्रेंड, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की, तो अगर आप इंडिया में बैचलर्स या मास्टर्स करने जाते हैं तो फ्रेंड एक सेमेस्टर जो इंडिया में होता है वो 6 महीने का होता है। उसके बाद फ्रेंड उसमें 5 से 6 सब्जेक्ट्स होते हैं और वो फिक्स्ड होते हैं, आपको वही करना पड़ते हैं। और इसका जो टाइम टेबल होता है वो जनरली मंडे से फ्राइडे या मंडे से सैटरडे, मतलब 5 से 6 दिन फिक्स्ड होता है। और इसमें आपकी अटेंडेंस 75% होना चाहिए, आपको पता ही होगा। वहीं अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो फ्रेंड यहाँ पर जो कोर्स आप सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद जो सब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पर जो सेमेस्टर होता है वो 4 महीने का होता है। 4 सब्जेक्ट होते हैं एक सेमेस्टर में, वो सब्जेक्ट्स आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑनलाइन पोर्टल मिलता है जिसके थ्रू आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। और फ्रेंड एक बात बता दूं आपको कि यहाँ पर क्लासेस जो होती है वो आप अपनी 2 या 3 दिन में अपनी क्लासेस खत्म कर सकते हैं। इंडिया में जैसे आपको 5 दिन जाना पड़ता है, यहाँ आपको 2 या 3 दिन में आपकी क्लासेस खत्म हो जाती है, क्योंकि काफी सारे जो स्टूडेंट रहते हैं तो वो 2 या 3 दिन में अपने सारे सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं कि कब कब उनको लेक्चर्स लेना है, क्योंकि सारी चीजें आपके हाथ में रहती है। तो जनरली स्टूडेंट 2 या 3 दिन के ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी रखते हैं ताकि बाकी दिन वो अपना वर्क कर सकें या अपना सेल्फ स्टडीज कर सकें। उसके बाद फ्रेंड मैं आपको बता दूं अटेंडेंस की, क्योंकि काफी सारे लोग पूछ रहे थे। तो फ्रेंड अगर जैसे इंडिया में 75% कंपलसरी है, तो क्या ऑस्ट्रेलिया में भी 70 या 75% कंपलसरी, काफी लोगों ने पूछा था। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि यहां पर भी 70-75% कंपलसरी है, बट फ्रेंड क्या होता है कि आप 2 या 3 दिन का कॉलेज रखते हैं तो इजीली अगर आप 2 या 3 दिन या 2 दिन भी कॉलेज आते हैं तो आपके 75% हो जाता है। अदरवाइज आप लेक्चरर से बात कर लें कि आप उस लेक्चर में नहीं आ सकते या वो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, तो आपको उसका परसेंट, मतलब अटेंडेंस परसेंटेज मिल जाता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब ओवरऑल आपका काम हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड बात करें कि काफी लोग पूछे थे कि लेक्चर कितने ड्यूरेशन के होते हैं, तो जनरली इंडिया में अगर हम बात करें तो 2 या 3 घंटे के लेक्चर होते हैं या 2 या 3 घंटे के प्रैक्टिकल्स होते हैं। बट वहीं अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो फ्रेंड यहां पर जो अगर हम बात करें लेक्चर की, तो वो 2 या 3 घंटे का लेक्चर होता है, प्रैक्टिकल भी 2 या 3 घंटे का होता है। बट फ्रेंड क्योंकि आपने जो आपका टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया होता है तो 2 या 3 दिन में सिलेक्ट किया होता है, तो कई कई बार आपके जो लेक्चर्स होते हैं वो 4 से 5 घंटे के भी हो सकते हैं या 5 से 6 घंटों के भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने टाइम टेबल को शॉर्ट किया है। 5 दिन की स्टडीज 2 दिन में या 3 दिन में करिए तो कुछ लेक्चर्स जो होते हैं वो आपके बड़े हो सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड बात करें स्टडी, इंडिया में ज्यादातर थ्योरी और प्रैक्टिकल बेस होती है, और हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो फ्रेंड यहाँ पर जो स्टडीज होती है वो ज्यादातर आपकी असाइनमेंट बेस होती है, थ्योरी बहुत कम होती है, क्योंकि फ्रेंड
हम इंडिया में बुक से पढ़ते हैं ज्यादातर, आपको नोट्स मिल जाते हैं, बुक्स मिल जाती है या रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं, बट फिर अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में तो यहाँ पर स्टडीज ज्यादातर ऑनलाइन होती है। जो आपकी ऑनलाइन पोर्टल होता है ना उस पर सारी चीजें अवेलेबल होती है, आपको लेक्चर्स के पूरे लेक्चर्स जो लेक्चर लेता है वो सारी चीजें वहां अवेलेबल करा देता है, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स प्लस उसने जो पढ़ाया है वो और उसके जो नोट्स वगैरह रहते हैं वो सारी चीजें वहां अवेलेबल रहती है। तो आपको वहीं से पढ़ना पड़ता है, आपको कोई बुक वगैरह एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। बट इन केस अगर आपको ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो लाइब्रेरी बहुत बड़ी है यूनिवर्सिटीज में, आप वहां जाके इजीली पढ़ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड बात करें कि इंडिया में बहुत कम होता है कि लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड होते हैं या प्रैक्टिकल जो रिकॉर्डेड होते हैं, तो अगर आप मिस कर देते हैं तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ले पाते हैं, या आपको अपने फ्रेंड से पूछना पड़ता है या वापस लेक्चर के पास जाना पड़ता है। तो वही बात करें फ्रेंड यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो प्रैक्टिकल्स और लेक्चर जो हैं वो सारे रिकॉर्डेड होते हैं, तो अगर आप बाय चांस मिस कर देते हैं तो वो आपके पोर्टल पे वीडियो के उस पर आ जाता है, आप इजीली जाके वो रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। तो इन केस अगर आप मिस करें तो आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाता है, आप कहीं भी बैठ के ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं और साथ ही उस पोर्टल से वीडियो देख के पढ़ सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद फ्रेंड बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो स्टडीज होती है वो सेल्फ स्टडी होती है, आपको सारी चीजें अवेलेबल होती है, आप वहीं से पढ़ें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर इंडिया की बात करें फ्रेंड्स तो इंडिया में आप जानते हैं कि अगर आप कॉलेज नहीं जाते हैं या कॉलेज में नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोचिंग लगा लेते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया में कोचिंग नाम की कोई चीज नहीं होती है, आपको ज्यादातर सेल्फ स्टडीज करना पड़ती है या आप किसी फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं समझने में, या आप सीधी बात लेक्चरर के पास जाएं और उससे बात करें कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, तो वो आपकी हेल्प कर देता है। उसके बाद फ्रेंड बात करें एग्जाम्स की, क्योंकि काफी सारे लोग मुझसे पूछे थे एग्जाम का क्या सीन होता है, तो फ्रेंड मैं बता दूं आपको कि इंडिया में आप जानते हैं कि मतलब 15% 20% का असाइनमेंट होता है या 15-20% का प्रोजेक्ट होता है और 80% की रिटर्न एग्जाम होती है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉपर 100 मार्क्स हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो फ्रेंड यहाँ ज्यादातर स्टडीज असाइनमेंट बेस होती है, आपको हर सब्जेक्ट में 3 असाइनमेंट होते हैं जो कि 10% से लेकर 30% के बीच में असाइनमेंट या वेटेज रहता है, 40% तक भी होता है। तो अगर आप असाइनमेंट अच्छी से कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया में तो क्या है आप असाइनमेंट प्रोजेक्ट किसी का कॉपी करके या जैसे तैसे करके दे दें, या आप मिस भी कर दे तो आप लेक्चर से बोल देते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, बट यहाँ पर बहुत सीरियसली लेते हैं असाइनमेंट्स को। तो अगर आपने असाइनमेंट प्रॉपरली दिया है पूरे सेमेस्टर में, आपके 3 असाइनमेंट होते हैं, 2 इंडिविजुअल होते हैं, एक ग्रुप असाइनमेंट होता है, तो ओवरऑल आप 30-40% मार्क्स होते हैं तो आप इजीली 30-35% वहां से कवर कर सकते हैं, और आपका जो रिटर्न पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है। अगर आप वहां से भी थोड़े अच्छे मार्क्स लाते हैं तो ओवरऑल आपके अच्छे परसेंट बन सकते हैं और आप इजीली पास हो सकते हैं। एक बात और बता दूं फ्रेंड, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं या कुछ कोर्सेज होते हैं जिनमें एग्जाम नहीं होती है, सिर्फ असाइनमेंट्स होते हैं, क्योंकि असाइनमेंट बेस्ड स्टडीज होती है, तो उसमें आपको 3 असाइनमेंट मिलते हैं उस सब्जेक्ट्स में, आप वो जो कि 30% का एक असाइनमेंट होता है इंडिविजुअल, उसके बाद 30% का एक और असाइनमेंट होता है, और उसके बाद 40% का एक ग्रुप असाइनमेंट होता है, तो ओवरऑल ये 100% हो जाता है। तो कुछ सब्जेक्ट में ऐसा भी होता है कि सिर्फ आपको असाइनमेंट सबमिट करना पड़ता है, बट असाइनमेंट रिसर्च बेस होते हैं, थोड़े टफ होते हैं, क्योंकि उसमें 3,000 से 10,000 वर्ड लिखना पड़ता है। और एक बात और बता दूं फ्रेंड्स कि ज्यादातर यहाँ जो असाइनमेंट सबमिशन होते हैं वो सारे ऑनलाइन होते हैं, इंडिया में आप फाइल में या फिर कॉपी में लिख के असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करते हैं या फाइल बनाते हैं, बट यहाँ पर सारी चीजें आपको मतलब पीडीएफ में बना के पूरा सबमिट करना पड़ता है, सब ऑनलाइन सबमिशन होता है, उसकी एक लास्ट डेट मिलती है, उस डेट के पहले ही आपको सबमिट करना पड़ता है, अदरवाइज आपके मार्क्स रिड्यूस होते हैं। अगर 30% का असाइनमेंट है और आपने अगर लेट करा तो हो सकता है आपको 25% में से मार्क्स मिले या 20% में से मार्क्स मिले। तो फ्रेंड असाइनमेंट बेस्ड स्टडीज ज्यादा होती है यहाँ पर। और एक बात और बता दूं फ्रेंड कि अगर यहाँ आप असाइनमेंट किसी का कॉपी कर रहे हैं या किसी से आपने देख के उसका कॉपी कर लिया आइडिया, तो फ्रेंड आप प्लेजरिज्म में फंस जाओगे और वो सामने वाला बंदा भी फंस जाएगा, क्योंकि आप जो असाइनमेंट सबमिट करते हो वो टर्निटिन के थ्रू करते हो जिसमें उसका पूरा सोर्स पता लग जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो असाइनमेंट्स होते हैं वो काफी टफ होते हैं। क्योंकि फ्रेंड अगर आप थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में आप इजीली पढ़ के रट के या वो मेथड से सारे मतलब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं वो आपको याद हो जाते हैं, फॉर्मूले याद रहते हैं, तो वो आप इजीली पढ़ सकते हो। और एक बात और बता दूं फ्रेंड्स कि जो लोग पूछ रहे थे एग्जाम का क्या सीन रहता है यहाँ पर, तो एग्जाम सिंपल होती है, स्टडी सिंपल है, अगर आप पूरा पढ़ोगे
तो बहुत सिंपल स्टडीज है, और आपको एग्जाम के 2 से 3 वीक पहले आपको लेक्चरार बता देता है ज्यादातर कि आपको इसमें से आएगा या ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो आप इजीली मार्क्स का कवर कर सकते हो। बट मेन प्रॉब्लम आती है असाइनमेंट्स में, क्योंकि काफी सारे लोग असाइनमेंट में फंस जाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे का कॉपी कर लेते हैं, या उनको टर्नटिन कैसे यूज करना है ये समझ में नहीं आता है, या फिर कहीं ना कहीं किसी से कॉपी हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए असाइनमेंट बहुत टफ पड़ता है, बट अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे या किसी की हेल्प लेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट सपोर्ट होता है या असाइनमेंट सपोर्ट होता है, वहां जाके आप बात कर सकते हैं, तो वो आपको असाइनमेंट कैसे बनाना है सारी चीजें बता देते हैं, तो आपके लिए काफी सारी हेल्प हो सकती है। सो फ्रेंड, काफी सारे लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम फेल हो जाते हैं तो क्या होता है। तो फ्रेंड, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, तो आप उस सब्जेक्ट की एग्जाम फीस देके वो सब्जेक्ट को वापस आप एग्जाम देके क्लियर कर सकते हो। बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया में किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, तो फ्रेंड आपको उस सब्जेक्ट की पूरी फीस भरना पड़ती है। उसके बाद आपको फ्रेंड वो वापस असाइनमेंट्स बनाना पड़ते हैं सारे, और वापस आपको सारे लेक्चर अटेंड करना पड़ते हैं और एग्जाम भी देना पड़ती है। सो फ्रेंड, जो एक सब्जेक्ट की फीस होती है वो $3,000 से $5,000 होती है, जो कि काफी कॉस्टली पड़ता है। तो अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे और रेगुलर असाइनमेंट्स बनाएंगे तो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। फ्रेंड, काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि स्टडीज सिंपल है या टफ है, तो फ्रेंड मैं उनको एक ही बात बोलूंगा, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं या वीक में 1-2 बार अच्छी से पढ़ रहे हैं और आप असाइनमेंट सारे बना रहे हैं और प्रॉपर तरीके से आप उनके लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो इजीली आपके सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाते हैं और अच्छे परसेंट बन जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप ज्यादातर काम पे फोकस रहेंगे, आप स्टडीज नहीं करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्टडीज इतनी टफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सिंपल बेस स्टडीज होती है। आप इजीली वीडियोस अवेलेबल हैं, आप बार बार वीडियोस देख सकते हैं, लेक्चर्स देख सकते हैं, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ओवरऑल फ्रेंड, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने पूरा वीडियो आपको समझा दिया है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो लोग ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं या ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में उनको जानना है, तो और अगर आपके कुछ और क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी आपको दे रखा है। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।